वेलकम बैक टू माई चैनल एंड लेट्स सी आज क्या करने वाले है। वैसे तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट देखते क्या हो। मे बी शायद कुछ खाने के लिए हम देखे, कुछ अच्छा अच्छा खाए। फ्रिज में तो मशरूम पड़ा है मेरे, अब से मेरे दिल में यही आ रहा है कि मशरूम का कुछ बनाया जाए। लेट्स सी क्या होता है एंड आज का दिन कैसा जाता है। वैसे तो कुछ प्लान नहीं है, तो आई थिंक सब आराम करते हुए दिन बीतेगा आज का, देखते आगे कैसा है। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले ही जो है मैं फ्रेश हुई हूँ और मेरा अभी कुछ मन कर रहा है खाने का। थोड़ा बहुत नाश्ता तो मैंने खा लिया बट मुझे कुछ अच्छा बनाने का दिल कर रहा है। सोचा था थोड़ा कि मैं बाहर से जाके खा लूँ, पर आई थिंक सो यहाँ पे कुछ रैली चल रही है तो इस बार घर पे कुछ ना कुछ बना लेंगे। और मैं खुद से बनाना चाहती था कि मेरी मम्मी को कुछ बनाने की तकलीफ ना हो। देखते आज मैं क्या बनाती हूँ। गाइस मैं जो है चिकन ऑर्डर कर लिया है, ठीक है, ऑनलाइन से। आज पापा घर पे नहीं है तो फिर कौन लाएगा सब कुछ, तो इसलिए मैंने खुद से ही चिकन ऑर्डर कर लिया। एक ड्रम स्टिक का पैकेट है और एक जो है नॉर्मल करी चिकन है, तो लेट्स सी। और ना मुझे लास्ट टाइम मैंने सुहाना का मसाला यूज़ किया था तो बहुत ही टेस्टी बना था खाना। सुहाना का बटर चिकन यूज़ किया था तो ना मेरे दिमाग में ये भी है कि सुहाना का ये जो है ना चिकन ग्रेवी, ये ट्राई करते हैं आज कैसा बनता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब बटर चिकन बनाया था 15-20 मिनट्स में फटफट रेडी हो गया था और हम लोगों को बहुत पसंद आया था, बहुत टेस्टी भी था। यूजुअली चिकन वगैरह तो मेरी मम्मी बनाती है, बट अब मुझे भी अपने घर के मसाले यूज़ करने का थोड़ा दिल नहीं कर रहा और मैं सोच रही हूँ कि ये भी ट्राई कर लेते कैसा होगी मिक्स। लेट्स सी आज इसको ट्राई करते हैं, चिकन ग्रेवी मिक्स को ट्राई करते हैं, देखते कैसा बनता है। तो शायद आज का मेन्यू होगा मे बी चिकन रोटी राइस और मैं शायद मशरूम भी जो है मैरिनेट करके उसको बटर में टॉस कर दूंगी जो भी है, ठीक है, बटर में टॉस कर देगी और देखते कैसा बनता आज क्या बनता है। खाने का बहुत मन कर रहा है यार, आज संडे है ना कुछ खाने का मन कर रहा है। और मेरी मम्मी को आज मैंने रेस्ट दे दिया, बोला है कि आप रेस्ट करो मैं आज पकाती हूँ खाना। तो गाइस मैंने जो है चिकन हल्दी और नमक में मैरिनेशन करके साइड में थोड़े देर के लिए रख दिया है और मैंने तेल गरम करके कांदा जो है मैं डाल रही हूँ। और फिर मुझे नॉर्मली जैसे हम खाना बनाते हैं तो वैसे मैंने मसाले की डिब्बी खोल दी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मुझे आज मसाले नहीं यूज़ करने, मुझे सुहाना का मसाला यूज़ करना है, इसलिए मैंने वापस से उसे अंदर रख दिया। तो ये जो तेल है ये चिकन नगेट का तेल है, आज फिर से हमने जो है फ्रेश तेल में वापस से चिकन नगेट्स गर्म करके जो है बनाया था, वो हमने खा लिया ब्रेकफास्ट में, उसका व्लॉग नहीं बनाया गाइस। तो वही तेल हमने वापस से यूज़ किया यहाँ पे और मैं इस यहाँ पे ना एकदम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी में थिकनेस हो, क्योंकि मुझे नहीं पता सुहाना के मसाले में कितना ग्रेवी में कितना थिकनेस होगा। तो इसमें मैं अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे दो लहसुन की कलियाँ हो गई, एक छोटू सा अदरक हो गया, दो मिर्च हो गए, एक टमाटर हो गया और कांदा, बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो सालन बने वो एकदम पानी जैसा बने, ये मुझे नहीं पता सुहाना मसाला कितना थिक होगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से जो है ये सब डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज़ें ताकि वो ग्रेवी की थिकनेस को बढ़ाए। और ऊपर से मैंने कुछ भी मसाले दूसरे डाले नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सुहाना मसाले थे, नमक भी नहीं डाला इसके। अरे मैं काम ऑयल दिखी है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है ऑयल में। जीरा राइस बना है और ये मैंने चिकन बनाया है, चिकन ग्रेवी। कैसा लग रहा है? मस्त अच्छा लग रहा है अभी देख के तो। ये मैंने अपने घर के मसाले से नहीं बनाया, सुहाना मसाले से बनाया, अच्छा लग रहा है। खा के देखते हैं अभी कैसा बना है। मेरा व्लॉग चल रहा है वहाँ पे और यहाँ पे सबके रिएक्शन देखो, ये लोग हंस रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा व्लॉग डाला है। कैसा बनाया मम्मी व्लॉग?
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत अच्छा इंजॉयमेंट हो गया था। मतलब जो एकदम सुनसान वाला माहौल था, एकदम सीरियस वाला माहौल था, वो बहुत मतलब अच्छा हो गया, फनी हो गया, तो अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको देख के? माइंड थोड़ा चेंज हुआ, अच्छा लगा। सही है तो भाई, थोड़े गम के बाद थोड़ी खुशी भी मिलती है। हाँ, में चले गए थे ये हादसा। होता है कभी कभी ऐसा, चलो ऊपर वाला होता लेकिन बचाने वाला, जिससे हमें ऐसे मतलब एकदम गंभीर सिचुएशन में भी उसने साथ दिया और सिचुएशन को सही किया। बहुत बहुत थैंक्स गॉड का, ठीक है, जो सबको देखता रहता है। इससे ये साबित होता है कि संसार में ऊपर वाले की नजर सब पे है और वो सबको बराबर देखता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू बचाने के लिए। हमको आंटी ने पूरी और खीर भेजा है, खा के देखते कैसी भेजी पूरी और खीर, कैसी टेस्ट करती है, मजा ही आ जाएगा। सोच तो रही थी यार मैं मम्मी का व्लॉग में खीर देख के, कि मुझे ऐसा याद आ रहा था खीर, अच्छा हो गया आ गया, मस्त वाली खीर। इसलिए आज पूरी भी बनाई है, और मैं और डुल्लू भी दिख रहे हैं। डुल्लू देख, तो गाइस खाना खा के हो चुका है। मुझे लगा था कि फ्रिज में बहुत सारा जो है कुल्फी, ना वो कुल्फी बोलते ना, कुल्फी पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जो है रैप किया हुआ कुछ तो देखा था फ्रिज में। लेकिन अब देख रही हूँ तो बड़ा ही दुख हो रहा है कि मुझे सच्चाई का पता चला है, एक ही कुल्फी पड़ी हुई है और इसमें इतने सारे कवर लगाए थे। मुझे लगा था बहुत सारे हैं, तो मैंने मम्मी को पूछा एक ही पड़ी हुई, मम्मी ने बोला सब खा लिया सुबह सबने, तो बस मैंने ही नहीं खाया। तो अभी मैं इसको कट करके बांट दूंगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, कट करके इसको बांट देंगे क्या हम, कुछ भी खाओ बांट कर खाओ, अकेले कुछ भी मत खाओ, आप फैमिली में रहते हो आप सब शेयर करना सीखना चाहिए। Sharing is always caring. So share with your friends, share with your family. सब कुछ शेयर करो भाई। Brother, sister. Hello. Hi, Delu. Delu किधर जा रहा है? डल्लू जी, अरे यहाँ पे भी मस्त लग रहा है, पावडर। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट्स पढ़ के हमारा दिन ही बन जाता है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले. हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहो. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.